आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े शख्सियतों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है। अब कोई पूछता रहता है कि इसने क्या कराया, कैसे कराया, तो उसके साथ उत्सुकता होती है जानने की कि हेयर ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है। क्या नकली बाल लगा देते हैं, विग लगा देते हैं, ऐसा क्या होता है? आपको मैं आज तीन पार्ट में ये वीडियो दिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट में होना क्या है और उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, और किस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लिए ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट या नहीं, क्या आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी में है या नहीं, लेकिन ये बात की बातें हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट बेसिक। हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि आप जैसे देखेंगे लोगों के यहाँ पे मूछ दाढ़ी पे बाल रहते हैं जिंदगी भर, ये वाले होते हैं लॉन्ग लाइफ हेयर। कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या कैंसर वगैरह, तो ये वाले बाल जो है एक बार यहाँ से जड़ निकाल के यहाँ लगा दी या यहाँ से जड़ निकाल के यहाँ लगा दिया, तो ये बाल अपने उगते रहेंगे जिंदगी भर। अब आप बोलेंगे कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है? नहीं, पहले 7 दिन बस ध्यान रखना है। जैसे हमने जड़ यहाँ से ली, जैसे पौधे का ध्यान रखते हैं, एक जगह से ली दूसरी जगह लगाया, तो 7 दिन तो नहीं रगड़ना ना, तो बस उतना आपने प्रिकॉशन रखना है। उसके अलावा 7 दिन में जड़ अपनी जगह आ जाएगी, फिक्स हो जाएगी और अपना टाइम से उगेगी। अब ये नहीं है कि अगले ही दिन से उगने लग जाएगी। अब कई लोगों का ये भी धारणा होती है कि अब तो बाल लग गया हमारा, अब तो अभी से उगा दो, ऐसे नहीं होता। कई बार होता है किसी का थोड़ा जल्दी उगता है, किसी का बाल थोड़ा देर में उगता है। जैसे पौधा लगाते हैं तो जड़ जब अपनी जगह पर सेट होता है तो उस समय भी तो क्या होता है, पहले बाल झड़, ये पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद नए सिरे से अंदर से ग्रोथ आती है। तो कुछ हद तक उसी तरीके से, तो ये इसका एक रूल है, एक तरीके से कह लीजिए थंब रूल, कि जितने महीने आपके ट्रांसप्लांट को हुए करीबन करीबन उतना आपका ग्रोथ होगा, यानी 2 महीने पे ना के बराबर। आप बोलो कि ट्रांसप्लांट कराया मैंने 2 महीने पहले, अभी बाल नहीं दिख रहे, तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो होना ही है ऐसे। अगर बाय चांस आपके बाल दिख रहे हैं, उगने लग गए, तो उसे बोनस समझिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। मेन चीज होता है जैसे 8 से 10 महीने में जाके बाल उगने लगते हैं और 12 महीने में जाके आपको पूरी उसकी डेंसिटी समझ आती है। अब जैसे आप 6 महीने में आए, तो 6 महीने में आपको सिर्फ 50% 50% ग्रोथ दिखेगा, क्या इसमें से 20% ग्रोथ उग गया। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी शुरू में बोला था कि दाढ़ी के बाल सर पे लगा दें और इधर के बाल सर पे लगा दें, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दाढ़ी के बाल जब सर पे लगाएंगे तो वो दाढ़ी के बालों की तरह ही उगेंगे, यानी थोड़े मोटे, थोड़े वेवी, कर्ली, कलर भी कईयों का अलग होता है, तो उनको हमेशा बालों के सर के साथ मिक्स करके लगाते हैं और कभी भी हेयर लाइन में नहीं लगाएंगे, है ना। हेयर लाइन में लगाना है तो बिल्कुल आर्टिस्टिक वे में, जो बिल्कुल पतले बारीक बाल होते हैं, देखने पड़ेंगे शरीर में कहाँ पे है, जैसे आर्मपिट में हुआ, चेस्ट पे हुआ, कहीं ऐसा वाला बाल जो मिलता जुलता। अब ये ऐसे नहीं है कि हर किसी का एक जैसा होता है। अब कईयों के मुश्किल से 25 बाल होते हैं पूरी दाढ़ी में। अब हम करें तो क्या करें, दूसरे छोर पे वो भी होते हैं जिनकी दाढ़ी भरी हुई होती है पूरी, आराम से पूरा का पूरा यहाँ रखो हाथ तो पता चलता है कि यहाँ पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, फैशन हो गया, दाढ़ी तो हमें चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे डोनर हेयर तो दो, आपके ही बाल लगा सकते हैं हम, किसी और के नहीं लगा सकते, तुम मुझे बाल दो तो मैं तुम्हारा गंजापन दूर कर सकता हूँ। ये है हेयर ट्रांसप्लांट प्लेन एंड सिंपल में। अब यह है कि कोई इतना सा गंजा है, कोई इतना ज़्यादा गंजा है, तो नेचुरली
उसी हिसाब से होगा कि कितने ज़्यादा जड़ों की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा जड़ों की ज़रूरत है मतलब उतना ज़्यादा मेहनत, कारीगरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है कि 2 घंटे का काम है और गया, पूरा पूरा दिन लग जाता है और कई कई केस में 2-3 दिन तक लगता है। लेकिन हाँ, ढंग से किया गया हो तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब ये ज़रूरी है जानना, ठीक है? और इसमें की वर्ड है कि ढंग से किया गया हो। जैसे आमतौर पे हम लोग, हालांकि हमें 20 साल हो गए हैं, हालांकि हम लोगों ने इन्वेंट किया था यानी इजाद किया था यहाँ का बाल लगाना यहाँ, तब भी हम लोग एक बारी में 2-2500 से ज़्यादा एक दिन में बाल नहीं लगा सकते। क्यों? एक एक बाल डायमंड यानी हीरे की तरह कीमती होता है उसका जड़। उसको बिल्कुल बारीकी से निकालना है, ध्यान से रखना है, फिर बारीकी से लगाना है। अब ऐसे करें कि सीधा टक 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 कर दें तो क्या होगा? ऊपर का तो होगा, नीचे का जड़ होगा नहीं, बाद में बाल उगेगा नहीं। तो अगर कोई कहे नहीं मैं 4,000, 6,000, 8,000 ग्राफ्ट लगा दूंगा, तो वो आपके फायदे की बात नहीं, वो तो अपना पैसा बचा रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं, और आपको एक साइड इफेक्ट होने का चांस होता है कि इतना लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। बॉडी तो अपना ही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके बारे में अगर कुछ सवाल आते हों तो मेरे से पूछ सकते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट होते किस किस तरीके के। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट अलग अलग तरीके के भी होते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि भाई बाल ट्रांसप्लांट कराने के बजाय कोई और भी तरीका है, ठीक है? तो ये 3 वीडियो की सीरीज़ होगी अभी, लेकिन हम यहीं रुकते हैं। जहाँ तक मैंने बताया आपको, इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरे से पूछिए। धन्यवाद।